विजयनगरम आंध्र प्रदेश के ज्वेलरी शॉप में 3.5 करोड़ के जेवरात पर हाथ साफ कर जेवरात सहित कबीर धाम पहुंचा छत्तीसगढ़ का शातिर लोकेश श्रीवास पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने चोरी के समस्त जेवरात सहित आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास से 6 किलो 400 ग्राम सोने का जेवरात जब्त हुआ है। यह छत्तीसगढ़ प्रदेश में कबीरधाम पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओपी पाल ने मंगलवार को पत्रकार वार्ता में इसका खुलासा। कबीरधाम पुलिस को आंध्र प्रदेश के ज्वेलरी शॉप में करोड़ों रुपए के आभूषण चोरी करने वाले चोर को पकड़ने में सफलता मिली है। गिरफ्तार किए गए चोर से जो आभूषण बरामद किए गए हैं, सोने के आभूषण 6 किलो 400 ग्राम बताए जा रहे हैं, जिसका बाजार मूल्य लगभग 3.5 करोड़ बताया गया है। कवर्धा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दुर्ग रेंज के IG ओपी पाल ने बताया कि पकड़ा गया चोर कवर्धा का रहने वाला है, जो कि आदतन चोर है और इससे पहले भी दर्जन भर की चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। साथ ही जिले में एक बार आरोपी को जिला बदर भी किया जा चुका है। आदतन चोर होने के कारण जिले की पुलिस लगातार इस चोर के ऊपर नजर बनाए हुए रखी थी। वही मुखबिर से पता चला कि आरोपी अभी कुछ दिन पहले तक शहर से गायब था और 1-2 दिन पहले ही शहर लौटा था। शक के आधार पर पुलिस ने इसके घर की तलाशी ली। आरोपी के घर से एक बैग में इतना सारा जेवर देखकर पुलिस खुद दंग रह गई। पुलिस ने आरोपी लोकेश श्रीवास से कड़ाई से पूछताछ की, तब आरोपी ने मामले का खुलासा किया और चोरी करना स्वीकारा। आंध्र प्रदेश के रवि ज्वेलरी शॉप पर उसने चोरी की घटना को अंजाम दिया और सारे आभूषण रवि ज्वेलर्स विजयनगरम के हैं। कबीरधाम पुलिस ने देर न करते हुए आंध्र प्रदेश विजयनगरम पुलिस से संपर्क किया, तब जाकर पता चला कि 1 दिन पूर्व इस संबंध में चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस तरह से इस पूरी चोरी की घटना की स्थिति साफ हो गई और आंध्र प्रदेश की पुलिस भी कबीरधाम पहुँच गयी। मामले को लेकर रेंज के IG ने इस तरह की जानकारी मीडिया को दी। 6 किलो 400 ग्राम है और अगर 5,000 रुपीज़ पर ग्राम के जो उसके आसपास रेट बोल कर रहता है तो लगभग 3.25 करोड़ का तो सोना ही है। क्योंकि आभूषण है तो बाजारों की जो इसकी कीमत है वो और ज़्यादा होगी। लगभग हमारा अनुमान है कि लगभग 3.5 करोड़ के जेवर अभी बरामद। जो पूछताछ में पता लगा है उसके हिसाब से तो यही सामान उसने वहाँ से चोरी किया था। कोई भी सामान अभी तक उसको ठिकाने नहीं लगा पाया, कहीं उसको बाहर बेच नहीं पाया क्योंकि कल ही वो लौटा था। FIR भी विजयनगर में कल ही हुई है, 23 तारीख की FIR विजयनगर में हुई है और ये बड़ी उपलब्धि है कवर्धा पुलिस के लिए और SP साहब के लिए और उनकी टीम के लिए कि कल एक बड़ी चोरी की वारदात विजयनगर में FIR होती है और उसी दिन शाम को वहाँ से लगभग 1,000 किलोमीटर दूर कवर्धा में चोर को पूरे सामान के साथ हम पकड़ लेते हैं। इसमें बैग वगैरह देखने पर ऐसा लग रहा है कि कोई सामान वो ठिकाने नहीं लगा पाया है। बाकी चीज़ें जो हाथ से जो पुलिस आएगी और जो ज्वेलर जिसके यहाँ चोरी हुई है वहाँ जब वो लोग आएंगे। कवर्धा जिले में एक निगरानी बदमाश है लोकेश श्रीवास, जो आतन नकबजन रहा है और इसके खिलाफ कई सारे मामले पूर्व में दर्ज हैं और 2020 में एक बड़ी चोरी इसने उड़ीसा में की थी। उसके बाद से पुलिस मुखबिरों के माध्यम से इस पर लगातार नज़र रखती है। अभी हाल में सूचना मिली थी कि ये कुछ दिनों के लिए अपने सुकूनत से गायब था, फिर लौट कर वापस आ गया था और फिर अभी कुछ दिन पहले ये फिर से यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला गया था। तब से पुलिस इस पर लगातार नज़र रखे हुए थी। इस बीच कल मुखबिर से सूचना मिली कि लोकेश श्रीवास अभी आया है वापस और ऐसा संभव है कि कोई वारदात करके ही वापस लौटा है। इस पर पुलिस ने उसको पकड़ कर उससे पूछताछ की। इस पर ये पता लगा कि लोकेश श्रीवास ने हाल में विजयनगरम आंध्र प्रदेश में एक ज्वेलर के यहाँ नकबजनी की थी और उसका पूरा सामान लेकर यहाँ आया था। इसके पास 6 किलो 400 ग्राम के लगभग सोने के जेवरात बरामद हुए। कवर्धा पुलिस द्वारा विजयनगरम पुलिस से संपर्क किया गया है और इस घटना की वहां से पुष्टि भी हुई है। वहां पर CCTV फुटेज में भी इस व्यक्ति का होना दिखाई दे रहा है। वहां की पुलिस यहां आ रही है और आगे कानूनी कार्रवाई
इसमें की जाएगी। पुलिस द्वारा बरामद की गई सोने के आभूषण और आरोपी को आंध्र प्रदेश पुलिस को सौंप दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा की जाएगी। कबीरधाम पुलिस की इस उपलब्धि पर आईजी रेंज दुर्ग ओपी पाल ने पूरी टीम को 30,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज़।